सो आने वाले 2 तो 3 दिन पंजाब दे विच सारे पंजाब च ही किते किते हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवावां चल सकदियां ने। उदे तो बाद जिहड़ियां स्काई कंडीशनस क्लीयर रहण दी ही प्रिडिक्शन है, सो उदे तो बाद जिहड़ा टैंपरेचर ग्रैजुअली राइज कर सकदा। कल का मैक्सिमम टैंपरेचर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के कल का नॉर्मल 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड सी। नॉर्मल नालों 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड घट सी। हाँ जी, क्योंकि जो WD सिस्टम बनया होया है वह हले 2-3 दिन होर पंजाब के उपर इफेक्ट एक्सपैक्टेड है, सो आने वाले 2 तो 3 दिन पंजाब दे विच सारे पंजाब च ही किते किते हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवावां चल सकदियां ने या गरज चमक हो सकती है। सो 1 तरीक तक इस तरह दीयां कंडीशनज प्रिवेल करन दी प्रिडिक्शन है और 2 तरीक तो फिर जिहड़ियां कंडीशनज क्लीयर होण दा अनुमान है। बिल्कुल जी, क्योंकि जिहड़ियां इह वाली कंडीशनस ने 1 तरीक तक के सिस्टम का इफेक्ट हैगा, उहदे तो बाद जिहड़ियां स्काई कंडीशनस क्लीयर रहण दी ही प्रिडिक्शन है, सो उहदे तो बाद जिहड़ा टैंपरेचर ग्रैजुअली राइज कर सकदा। बिल्कुल जी, क्योंकि जे असी इस बार मई के महीने का टैंपरेचर देखिए, जिमें कल का मैक्सिमम टैंपरेचर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों के कल का नॉर्मल 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड सी। सो जे असी ओवरऑल देखिए तो इस बार मई के महीने के जिहड़ा टैंपरेचर नॉर्मल नालों काफ़ी नीचे रहा है, क्योंकि WD सिस्टम बहुत डिवेलप हुए हैं, सो उहदे करके जिहड़ा सानू टैंपरेचर तो थोड़ी राहत मई के महीने रही है। रिकॉर्ड बिल्कुल जी, एक दिन पिछले दिनों जो डे टाइम टैंपरेचर 25 मई में 31 डिग्री सेंटीग्रेड सीगा, जिहड़ा कि मई के महीने में नॉर्मल नालों 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड घट सीगा, और वो जिहड़ा सिंस 1970 25 मई का लोएसट टैंपरेचर सीगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड जी। बिल्कुल जी, 70 तो साढ़े को जिहड़ा डेटा है उदों तो लैके हुण तक का 25 मई में जिहड़ा टैंपरेचर डे टाइम टैंपरेचर रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड वो लोएसट सीगा सिंस 1970। किसानों को किस तरीके दे नाल दी अपील हैगी है, क्योंकि आम तौर पर लगातार जिहड़ा खेतीबाड़ी इंडस्ट्री है किसानों को मोटीवेट करता है कि वो कदों अपनी किस्मां नूं जिहड़ा लगाउण, सिर्फ झोने का सीजन आ रहा। हाँ जी, क्योंकि हुण जिहड़ी खरीफ क्रॉप्स की सोइंग स्टार्ट हो चुकी हैगी है, सो फार्मर्स नूं असीं यही एडवाइस कर सकते हैं कि जिहड़ियां ये वैदर प्रिडिक्शन हैगी उहनूं जरूर ध्यान में रखन, क्योंकि 1 तरीक तक किते किते हल्की बारिश होने की प्रिडिक्शन हैगी है। सो क्योंकि जदों जे असीं सोइंग कर दिंदे आ इमीजिएटली बाद जे बारिश हुंदी है तो उहदे नाल जर्मीनेशन की बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है, सो उहनां नूं जिहड़ी सोइंग जरूर ये प्रिडिक्शन ध्यान में रख के ही प्लैन करनी चाहिए है।